ज्यादा प्यार है ये देखो, ये वाली मैंने चूज किया है, ये वाली एक एक करके दिखाएंगे कि हम क्या क्या लेकर आए हैं। तो सारा सामान आया है, ये देख लो इतने सारे कपड़े तो कुहू के आए हैं। इसके साथ के लिए कोई कुर्ता या कुछ सोचा नहीं है, बट ये एक प्लाजो लेकर आई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और जैसा कि आपको कल के व्लॉग में कुहू के पापा ने आपको बताया था कि वो हमें एक टास्क देने वाले हैं, वो टास्क क्या था कि हम कहीं मार्केट जाएंगे, हमें एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाएगा जो हमें खर्च करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं कुहू, कौन सी मार्केट जा रहे हैं। सरोजनी मार्केट जा रहे हैं हम। वहाँ से ना मतलब कुछ लोअर टी शर्ट्स जो घर में रात को पहनने वहने वाले होते हैं ना, ऐसी वाली चीजें लेने के लिए जा रहे हैं। जैसे मुझे इयर रिंग्स का बहुत शौक है, वो लेने जा रहे हैं। मतलब कुछ कुछ छोटी 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 चीजें लेने के लिए जा रहे हैं। हाँ, उससे पहले क्या करेंगे? उससे पहले कुछ भी नहीं करेंगे, वहीं जाएंगे सीधा। और क्या कह रही थी मैं आपको ये बता रही थी कि हाँ, हमें जो फिक्स्ड अमाउंट मिला है ना, वो फिक्स्ड अमाउंट कितना है कुहू पता है आपको? नहीं। आपको नहीं पता? पापा ने हमें दिया 5,000 रुपए, 5,000। यस, आज आपको और मुझे मिलके 5,000 रुपए खर्च करने के लिए मिले हैं। वैसे अगर मॉल जाओ, मॉल से कपड़े लेने हो, कुछ लेना हो, तो 5,000 रुपए कुछ भी नहीं है। बट सरोजनी में देखते हैं कि हम 5,000 रुपए में क्या क्या लेकर आ सकते हैं। उस 5,000 रुपए में हमें आज कुहू बहुत ज्यादा शॉपिंग करनी है। आप अपनी लिस्ट तैयार कर लो कि आपको क्या क्या लेना है। मैं डायरी लाई हूँ। ये डायरी लेकर आई है, दिखाओ जरा कौन सा बैग लेकर आई हो अपना, ये तो दिखा दो। ये मेरी मामी ने दिया था। ये अपना किटी बैग लेकर आई है, डायरी लेकर आई हूँ उसमें। तो ये बैठ के अपनी लिस्ट बनाएगी, मैं अपने माइंड में प्रिपेयर करूंगी कि मुझे क्या लेना है। डायरी पेन भी इसमें है और पेंसिल भी। चलो तो लिख लो क्या क्या लेना है तुम्हें। ये हम लाए थे आगरा से। चलो लिख लो। अब आगरा के होटल में शॉप थी। हाँ। वाह। कुहू ने तो अपनी लिस्ट बनाने शुरू कर दी है। क्या बना रही है वैसे, क्या लिखा है सबसे पहले? अभी तो लिख रही हूँ आई हैव टू स्पेंड 5,000 रुपीज और 1.5 रुपए लिख रही हूँ। अच्छा, उसके बाद अपनी लिस्ट आगे लिखोगी, नंबर वन नंबर टू आइटम्स। लेट्स सी क्या क्या कुहू लिस्ट में लिखती है। सरोजनी हम पहुंच चुके हैं, पार्किंग में गाड़ी लगाने वाले हैं। और ये रहे पैसे जो कुहू के पापा ने दिए हैं हमें शॉपिंग के लिए। देखते हैं इतने पैसों में हम क्या क्या खरीद पाते हैं। अगर आप जानना चाहते हो कि इन पैसों में हमने क्या क्या खरीदा, तो उसके लिए देखते रहिए हमारा पूरा ब्लॉग। 10 मिनट हो गए हैं और गाड़ी मूव नहीं कर रही है, कितनी ज्यादा भीड़ है। हम संडे को आ तो गए हैं, लेकिन सरोजनी में संडे को ना बहुत ज्यादा रश रहता है। पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है पार्किंग में मिलने में। मम्मा। हाँ बोलो। एकदम वृंदावन का फील आ रहा है ना। हर बार इतना रश होता है वहाँ पर, लेकिन वृंदावन में पार्किंग में इतना टाइम नहीं लगता वैसे। हाँ। मतलब मंदिर में भीड़ होती है ना बहुत ज्यादा। नहीं, बस वहाँ मंदिर में होती है और यहाँ पार्किंग में होती है। यहाँ मार्केट में भी मिलेगी बेटा आज, जहाँ तक देख। मार्केट में ज्यादा नहीं होती है अभी, देखना। मार्केट तो बहुत, जब तुम पहले आई थी वो पता नहीं शायद वीक डे था, ये आज संडे है। संडे था, संडे नहीं था, आज संडे था। चलो देख लेना। जैसा कि आपको दिख ही रहा है कितनी ज्यादा भीड़ हो रही है संडे की वजह से, खूब रश है आज। देखते हैं हम इस मार्केट के अंदर जाके ढंग से शॉपिंग कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। क्या क्या मिलता है आज हमें देखते हैं। आ तो गए हैं अब हम मार्केट के अंदर। धूप हो रही है, धूप में जाने का ना मन नहीं कर रहा है। वेदर आजकल दिल्ली एनसीआर में कुछ ऐसी चल रहा है, कभी तो धूप होती है, कभी ठंडा सा हो जाता है, बट यहाँ तो ना सीधा धूप पड़ रही है। चलो एक्सप्लोर करते हैं, कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं इस धूप में, इस भीड़ में घुस के। शॉपिंग करके आते आते हमें रात ही हो गई, जैसा कि आपको दिख रहा है बाहर कि अंधेरा हो गया बिल्कुल। और मेरा तो ना सर भी दर्द कर रहा है, कुहू के तो पैरों में दर्द हो ही रहा था। घर जाके सबसे पहले बनाएंगे बहुत अच्छी सी चाय और फिर आपको दिखाएंगे कि हम क्या क्या लेके आए हैं। हम बहुत कुछ लेकर आए हैं, थोड़ा कुछ नहीं, बहुत कुछ लेकर आए हैं। ज़रूर देखना कि हम क्या क्या लेकर आए हैं। छोड़ना नहीं हमारा ब्लॉग बीच में। ये जितना भी सामान इस बेड पे आपको दिख रहा है ना, ये सब हम लेकर आए हैं 5,000 रुपए में।
अब हम आपको एक एक करके दिखाएंगे कि हम क्या क्या लेकर आए हैं। तो सबसे पहले मेरा देखता है, हाँ, ये कुहू के एक शॉर्ट्स, और ये भी एक जीन्स वाले शॉर्ट्स कुहू के। अब ये भी कुहू के टी शर्ट, ये भी कुहू की टी शर्ट, ये दो कुहू की टी शर्ट, दो कुहू के शॉर्ट्स, और ये देखो ये तो ये नहीं, ये नहीं, तुम्हारा का है सवाल निकालो ना। और ये देखो, ये हम कुहू की एक फ्रॉक लेकर आए हैं, और एक और फ्रॉक कुहू की, ये मेरे मन से आई है। और है और कहाँ है, निकालो, अभी तो तुम्हारी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये फ्रेंड्स देखो मेरी सॉक्स कितनी क्यूट है, इनपे पांडा भी बना है। ये मेरा, और ये इसमें सेम पिंक कलर, और ये देखो ये भी कुहू की फ्रॉक। और हम एक और हेयर बैंड भी लाए ना, हाँ, ये कुहू का हम हेयर बैंड भी लाए हैं, ये कुहू का एक और टॉप। तो ये देखो, और ये हमने खरीदा है, ये तो अभी आपको पहले भी कुहू के पापा ने लिफ्ट में दिखाया था ना, एक प्यारा सा। कब दिखाया? दिखाया तो था लिफ्ट में जब आ रहे थे। तो ये देखो, ये दो कुहू के शॉर्ट्स, ये तीन टी शर्ट्स, तीन फ्रॉक। फ्रेंड्स, और मैंने इसका नामकरण कर दिया, ये सबका नामकरण पहले करती है। नाइट सूट, ये कुहू का नाइट सूट, एक नाइट सूट ये रहा, एक नाइट सूट ये रहा। तो देख रहे हो कुहू की कितनी ज्यादा शॉपिंग हुई है, ऐसे नीचे आप पकड़ो, नीचे मैं पकड़ू। तो देख रहे हो कुहू का कितना सारा सामान आया है, ये देख लो इतने सारे कपड़े तो कुहू के आए हैं, और ये कुहू की सॉक्स भी आई हैं, ये येलो वाली, और ये हेयर बैंड भी आया है। अब मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले ये एक नाइट सूट जो मैं अपने लिए लेकर आई हूँ, ये मैं एक नाइट सूट लेकर आई हूँ, ये मैं एक प्लाजो लेकर आई हूँ, अभी मैंने इसके साथ के लिए कोई कुर्ता या कुछ सोचा नहीं है, बट ये एक प्लाजो लेकर आई हूँ। बैठे बैठे आपके लिए बड़ा लग रहा है, बैठे बैठे बड़ा लग रहा है। ये मैं एक अपने लिए ऐसे ही बैग लेकर आई हूँ, और ये देखो, ये मैं अपने लिए लेकर आई हूँ एक टॉप, फ्लोरोसेंट। मुझे ये कलर ना अच्छा लगता है, एक मेरे पास पहले भी इस कलर का टॉप था, आपने मेरे किसी ना किसी वीडियो में जरूर देखा होगा, और ना टाइट हो गया था इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ। इसमें ये भी मैं एक अपने लिए रात के लिए पजामा लेकर आई हूँ, मुझे रात के पजामे तो चाहिए थे, पजामे टी शर्ट्स, ये भी मैं एक पजामा लेकर आई हूँ। देख रहे हो तीन हो गया ना, एक वो सेट हो गया, दो ये पजामे, एक और पजामा मैं लेकर आई हूँ, ये देखो। तो देख रहे हो, एक दो तीन, और एक वो पूरा सेट है चार, ठीक है। एक और मैं रात का ही लेकर आई हूँ, मुझे लगा टी शर्ट नहीं लेकर आई हूँ ज्यादा, ओहो टॉप मैं बस ये लाई हूँ, लग रहा है पजामे में काम चलाना पड़ेगा, टी शर्ट जो सारी बेकार हो रही थी वो रह गई। ये एक शॉर्ट्स, और ये उसके ऊपर का टॉप। वैसे इस टॉप को तो जीन्स वीन्स के साथ भी पहन सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये ना मैं सोच रही इसको हम तब यूज करेंगे जब हम कहीं जून में घूमने जाएंगे, तब इसको यूज करेंगे। और दिखाती हूँ मैं कुछ और भी आपको दिखाने के लिए, मैं बहुत टाइम से चप्पल लेने का सोच रही थी, तो मैंने अपने लिए तो चप्पल भी ली है, पहन के दिखाऊं आपको, अभी तो गंदी नहीं है ना, पहन के दिखाती हूँ, रुक जाओ, देखो कैसी लग रही है। एक तो ये है, और दूसरी भी दिखाती हूँ, ये ली थी मैंने, एक दूसरी भी बोली थी, पिंक वाली भी ली थी मैंने। अच्छा, इसे कैसे लाइन चेंज कर दिया था क्या मैंने, ध्यान नहीं आ रहा मुझे तो, आपने चेंज कर दिया था। अच्छी लग रही है ना दोनों चप्पल। इतनी सारी चीजों में ना, अभी एक चीज मैं आपको दिखाना भूल गई, इयररिंग्स, जिनसे मुझे बहुत ज्यादा प्यार है, ये देखो
ये वाली मैंने चूज किया है, ये वाली मैंने चूज किया, बस ये वाली मम्मा ने चूज किया, ये भी कुह ने चूज की, वो भी, और ये मम्मा ने। मैंने कहा एक ब्लैक ले लेते हैं, एक ब्लैक तो देखो। मैं तो सोच रही हूं इयररिंग से तो मुझे बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा। कभी ना मैं आपको अपने इयररिंग्स का कलेक्शन दिखाऊंगी, मेरे पास बहुत ज्यादा इयररिंग्स है। मैं तो सोच रही थी कि ये ब्लैक यही वाली थीम लेते हैं, तो सब ये सारा सामान हम लेकर आए हैं 5000 में, शायद 100-200 रुपए ऊपर नीचे होंगे, अदरवाइज इतने में ये सब कुछ आया है। आप बताना कि आपको हमारी ये 5000 की शॉपिंग कैसी लगी। तो हमने समर की पूरी तैयारी कर लिया, आप भी कर लो जल्दी से, और अगर हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा तो हमारे चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर। बाय बाय।